बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप पर ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए जी। तो व्यूअर्स, सुबह सुबह का टाइम है, दही मैंने जमाया था, ओवरनाइट जो है वो रखा था, बड़ा अच्छा जमा, इसमें थोड़ी सी बलाई ऐड की थी। आज हम इस दही से जो है वो मक्खन निकालेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और लस्सी बनाएंगे आपके सामने। सारा प्रोसीजर आपके सामने होगा और आप देखिएगा। सबसे पहले तो हम ग्राइंडर में जो है वो दही ऐड करते हैं, मलाई वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा दही अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे, सारा दही जो है वो ग्राइंडर में शामिल कर लेंगे। इस दही में हम एक ग्लास के करीब ठंडा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इस दही को जो है वो ग्राइंड करते हैं। मक्खन माशाल्लाह हमारा जो है वो निकल आया है, देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। इसको हम स्ट्रेनर की मदद से बर्तन में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसको तो इसमें जो लस्सी है मक्खन में से वो हम पहले निकाल देंगे, फिर इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। मक्खन हमारा निकल आया है, बकिया दही का भी हम इस तरीके से मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन हमने निकाल लिया, आप देख सकते हैं घर में थोड़ी सी बलाई पड़ी थी और दही भी बन गया और सारा कुछ जो है वो घर में तैयार हो गया। अब आपको लस्सी की लुक दिखाती हूँ, देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें कि उसने हर चीज़ को कितना खूबसूरत बनाया। पेड़े वाली लस्सी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल एनर्जी है, बहुत टेस्टी बनी है। आई होप के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।